the active Honda and 3G, and the Honda Hero Duet, the new model of the Hero Duet. Now we are showing the these two vehicles comparability and features. फेबर एरेंटर भी बहुत अच्छे से काम स्टाइलिश मिरर है और सिल्वर और ब्लैक की कॉम्बिनेशन है ऐसे लोग इसके दीवाने हो गए हैं एक्टिवा के कंपेयर करें तो इसके स्पेस बहुत कम है और इससे एक डिसएडवांटेज है हीरो इसको एडवांटेज बनाना चाहिए इसका सीट बहुत कंफर्टेबल है इंतु ये एक्टिवा के कंपेयर करो तो बहुत छोटा है शोल्डर बहुत मजबूत और स्टाइलिश है इसके पीछे इतना अच्छा नहीं है इंतु सामने बहुत अच्छा है साइलेंसर बहुत अच्छा है कंपेयर टू एक्टिवा और बहुत अच्छे है कंपेयर टू एक्टिवा और साउंड भी बहुत अच्छा आता है और बहुत मजबूत भी है इस ये 110 सीसी ऑफर करते हैं और इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्टिवा का इंजन बहुत अच्छा है कंपेयर टू ड्यूएट इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है कंपेयर टू एक्टिवा और बहुत स्टाइलिश है और बोल्ड भी है दोस्तों अब स्विच ऑन कर रहा हूँ देखिए कितनी अच्छी से दिख रहा है अब 243 किलोमीटर है अभी नया है 22 जनवरी में ले आया था मैंने इसलिए कि डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छा है या देखिए ट्रिप और ओडोमीटर भी बहुत अच्छे से काम करता है मैं यहाँ रुका हूँ और स्टैंड गा रहा हूँ इसलिए ऐसे रेड मार्क दिखा रहा है अब स्टैंड उठा रहा हूँ देखिए ये देखिए रेड लाइट ऑफ हो चुका है ऑन कर रहा हूँ थियोर का साउंड देखिए कितनी अच्छी सी है और सभी स्कूटी भी ऐसा ही है तो ही और डीआरएस है स्कूटी में और एनी टाइम रनिंग लैंप है देखिए DRS है किंतु यही डिसएडवांटेज है ड्यूएट के डियो की जैसे ऐसे स्टाइल कर सकते थे किंतु नहीं किया है देखिए बहुत एडवांस है अब देख रहे हैं ये हैंड लॉक है ये डियो देखिए एडवांस बहुत है और देखिए हैंड लॉक हुआ इतना ही देखिए इतनी आसान है और आपको दिखा रहा हूँ कैसी पेट्रोल कैसी ओपन करती है देखिए देखिए कितने आसान से लेफ्ट टर्न कीजिए अब बूट उठा रहा हूँ देखिए कितनी बहुत स्पेस है और यह देखिए बैंडेज और यह लाइट है यह अब एक्टिवा 4G जैसे ही चार्जर है और बहुत ही भी अच्छा है मैं देख चुका हूँ बहुत अच्छे से चार्ज होती है ड्यूएट बहुत एडवांस है और एडवांटेज भी है इसमें कहीं डिसएडवांटेज भी है
जैसे DRS आदि। अब मैं इसके अंपायर लास्ट में बता रहा हूँ। अब हेलो फ्रेंड्स, आपने होंडा का हीरो का रिव्यू देख लिया है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ होंडा से। अभी होंडा ये 3G है, ज़्यादा भगाया नहीं है, 2000 किलोमीटर ड्रिवन है। अभी मैं इसका रिव्यू ब्रेक से शुरू कर रहा हूँ। ये डबल कॉम्बी ब्रेक है, कॉम्बी सिस्टम आपने यहाँ रिकाय देख सकते हैं, कॉम्बी ब्रेक। और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक लगता है, एक इस तरह से। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं है कंपेरेटिव हीरो का, आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मुड़ी हुई है, बहुत अच्छा नहीं है। और ये डिज़ाइन पहले से आ रहा है, हीरो होंडा लोगों ने बहुत कुछ चेंजेस नहीं किया है। अभी 5G आया है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। ये भी एयर एंटर है, ये इसमें फाइबर लगा हुआ है और उसको सेफ्टी के लिए एक रॉड लगा हुआ। और आप लगा सकते हैं शोरूम वाले से पूछकर, हाँ नहीं भी लगा सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए, इसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ तो टूट ना सके इसलिए। और इसमें इसका मिरर, साइड मिरर्स बहुत कुछ ठीक नहीं है, एक सिंपल तरीके से इसे लगाया है। और आप यहाँ आते हो तो देखिए, इसका स्पेस बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेटिव टू हीरो का। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और एक बुक भी है देख सकते हैं आप। और इसका चाबी देख सकते हैं आप, एक 2-in-1 है, तो ये आप लॉक डबल से कर सकते हैं। देखिए ये, देखिए ये पस, ये लॉक भी हो सकता है, एंटर भी हो सकता है। देखिए ये लॉक है, ये ओपन है, इसमें आप की डाल के स्टार्ट भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसका डैशबोर्ड से। इसका डैशबोर्ड बहुत ही अच्छी तरह से और शाइन से किया है, ऐसे देख सकते हैं। इसका डैशबोर्ड इतना अच्छी तरह से शाइन किया है, इसमें थोड़ी सी धूल लगती है, आप डैशबोर्ड पॉलिश से नहीं कर सकते। और इसका सीट बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं इसका सीट, कंपेरेटिव टू ड्यूएट का सीट आप देख सकते हैं थोड़ी सी छोटी है, मगर होंडा एक्टिवा का सीट बहुत ही बड़ा है। इसमें दो तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, बिना किसी परेशानी से बैठ सकते हैं। एक ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है पीछे से पकड़ने के लिए, ये मजबूत है, पकड़ सकते हैं आप अच्छी तरह से। और पीछे भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी किया है होंडा वालों ने कुछ ना लगने के लिए। सामने भी है, पीछे भी है, और एक एयर इंटर पीछे भी लिया है। और आप नीचे के तरफ आते हो तो यहाँ भी कुछ सिक्योरिटी के लिए दिया है। और अब जाते हैं हम इसका इंजन के लिए। इंजन है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिलायबिलिटी है, आप कितना भी स्पीड भगाते हो तो अच्छी तरह से रिलायबिलिटी भी है। आप इसका मशहूरिटी है कि ये इंजन कभी ख़राब नहीं होता कंपेरेटिव टू दूसरा गाड़ी के लिए, आप देख सकते हैं। और दोनों भी टायर ट्यूबलेस टायर है और सिक्योरिटी के लिए फिर से दिया हुआ है। अभी हम जाते हैं पीछे के तरफ से। अब पीछे से भी देख सकते हैं होंडा हीरो के लिए, हीरो से होंडा बहुत अच्छा से दिखता है पीछे का व्यू। होंडा का कुछ, हीरो का कुछ खास नहीं है पीछे का व्यू। अभी हम जाते हैं साइड डिज़ाइन की तरफ से। होंडा एक्टिवा ने बहुत ही अच्छी तरह से क्रोम ग्रिल से ये लिखा हुआ है, और इसका साइड चेन भी अच्छा है कंपेरेटिव टू ड्यूएट, साइड साइड अच्छा नहीं दिखता है। अब नीचे की तरफ से हम आते हैं। देखिए ये साइलेंसर पाइप है, ड्यूएट के साइलेंसर पाइप बहुत ही एडवांस है कंपेरेटिव एक्टिवा 3G ने एडवांस तरह से नहीं किया है। ये 3G में नॉर्मल की तरह से साइलेंसर पाइप ही आपको दिखता है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिजिटल बोर्ड मोड भी नहीं है, सिंपल का सादा से एक मीटर बोर्ड है।
और फ्यूल टैंक भी है इसमें, कुछ भी नहीं ओपन नहीं होता, एक लॉक और इंजन का ही ऑन बटन है। आपको बूट ओपन करना हो तो पीछे जाकर आप ओपन कर। अभी हम बूट ओपन कर रहे हैं, देखिए ये फ्यूल टैंक है। आपकी एक परेशानी है, अभी अभी फ्यूल भरने के लिए जाते हो तो आप नीचे जा उठकर आपको ये ओपन करना है। अभी 4G या 5G में बदल दिया है, आप वही से आप ओपन कर सकते हैं। ये स्पेस ड्यूएट के ऊपर कंपेरेटिव से बहुत ही ज़्यादा है, आप कुछ भी आसानी से रख सकते हैं इसके अंदर। और इसमें चार्जिंग होल्ड लगाया नहीं है, और ये इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, ड्यूएट ने थोड़ा ऊपर किया। इसका लुक भी सिंपल की और क्यूट की तरह है इसका लुक। और आप ये हीरो के तरफ से जाते हो तो एक डैशिंग लुक दिखता है। अभी इस होंडा एक्टिवा, अभी होंडा एक्टिवा में सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से किया है गया है। अब ड्यूएट में सब नहीं है, देख सकते हैं आप। और अभी हम लाइट के थोड़ा दिखाएंगे। लाइट में एक बहुत एडजस्टेबल सिस्टम किया है होंडा वालों ने। और ये एक स्कूटी प्राइस में एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस है, कंपेरेटिव में भी होंडा की हीरो के लिए प्राइस में बहुत है। इसका प्राइस 74,000 है, इसका प्राइस 66,000 है। आप देख सकते हैं आपको सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी और एंजॉयमेंट के लिए ये गाड़ी ले सकते हैं। आपको लुक और डैशिंग लुक के लिए आप मोहिरो का ड्यूएट गाड़ी ले सकते हैं। आप ये सब वीडियो देखे और समझ लिए, और इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। हम आगे भी इसी तरह इस दोनों का ड्रैग रेस और सब कुछ रेस दिखाने वाले हैं। इसका वीडियो के देखने के लिए और समझने के लिए शुक्रिया।